ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ, चार्जनेस ऑफ पीडियाट्रिक कार्डियोवास्कुलर यूनिट चेक इन द लेबोरेटरी वैल्यूज। ओके नॉर्मल वैल्यूज पूछ रहे हैं, इसमें कौन से अबनॉर्मल वैल्यूज है वो देखना है। पोटासियम है, पोटासियम 3.8 है, 3.5 टू 4.5 नॉर्मल है, ए भी सही है। और सोडियम देखिए तीसरे ऑप्शन में 135 टू 145 नॉर्मल है। लेड, लेड लेवल 10 से नीचे रहना चाहिए, ये भी नॉर्मल है, 8 है तो नॉर्मल है। यहाँ डिजेक्शन देख रहे हैं ना 2.5, ये अब नॉर्मल है, डिजेक्शन 2 तक रह सकता है, 0.8 से 2, यहाँ 2.5 है तो ये अब नॉर्मल है, ये है ऑप्शन। और सेवन्थ क्वेश्चन, 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड विद टेट्रालजी ऑफ फॉलेट इज प्लेइंग इन द रूम एंड सडनली स्क्वाट्स। ओके स्क्वाट पोजिशन में क्यों जाता है बच्चा टेट्रालजी ऑफ फॉलेट, वो हमें मालूम होना चाहिए तभी इसका आंसर हम कर पाएंगे। तो पहले टेट्रालजी ऑफ फॉलेट क्या है वो देखते हैं। टेट्रालजी ऑफ फॉलेट में चार कंडीशंस रहते हैं, अब यहाँ देख सकते हैं ये चार कंडीशंस रहता है, एक दो ओवर रीडिंग ऑफ आयोटा, आयोटा जो है लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों से ब्लड ले रहा है, यहाँ राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, यूजुअली लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है आयोटा में, पर यहाँ पे देख सक रहे हैं ना आप राइट वेंट्रिकल से भी ब्लड जा रहा है, इसको ओवर रीडिंग ऑफ आयोटा कहते हैं। पल्मरी स्टेनोसिस, यहाँ पे पल्मरी आर्टरी जो है कंस्ट्रिक्ट हो गया, देख रहे हैं ना कंस्ट्रिक्ट हो गया। और तीसरा ऑप्शन में आई है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टम यहाँ देख रहे हैं ना, ये वेंट्रिकल दोनों वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कोई कनेक्शन, यहाँ देख राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है इन दोनों के बीच में सेप्टम है, पर यहाँ पे देख रहे हैं ये होल है तो यहाँ से ब्लड चला जाता है इधर, तो इसको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। और फोर्थ है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, यहाँ पे पूरा स्वेलिंग हो गया इसीलिए हाइपरट्रॉफी, यहाँ पे नॉर्मल है देख रहे हैं ना नॉर्मल हार्ट, ये अब नॉर्मल हार्ट। तो ओके इसकी वजह से क्या होगा, नॉर्मल टेट्रालजी ऑफ फॉलेट में यूजुअली ब्लड क्या कैसे जाता है सर्कुलेशन में, कार्डियक सर्कुलेशन में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा, वहाँ पे प्यूरीफाई होगा, पर यहाँ पे प्यूरिफिकेशन हो ही नहीं रहा, यहाँ पे देख रहे हैं ना यहाँ पे ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जा ही नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेनोसिस हो गया, और उल्टा क्या कहाँ जा रहा है, सीधा लेफ्ट राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जा रहा है, तो यहाँ पे प्योरीफाई हो ही नहीं रहा, ऐसे ही सीधा जा रहा है, ये आयोटा में चला जाता है, तो पूरे सिस्टम में जाके क्या होगा, कोई फ़ायदा ही नहीं, ऑक्सीजन उसमें है ही नहीं, तो इस कंडीशन में बच्चे को साइनोसिस हो जाता है और आरबीसी लेवल बढ़ जाता है। ये कुछ सिम्टम्स रहता है, आपको दिखाता हूँ एक और पिक्चर, इसमें देखिए, हाँ ये शेप शेप ऑफ द हार्ट इन टेट्रालजी ऑफ फॉलेट, फूड शेप, ये क्वेश्चन भी आता है, फूड शेप में हो जाता है, देख रहे हैं ना एक फूड जैसा। ओके बूट, सो बूट शेप हार्ट होता है रहता है टेट्रालजी ऑफ फॉलेट में। नेक्स्ट ये देखिए, हाँ स्क्वाटिंग पोजिशन, इसको कहते हैं स्क्वाटिंग पोजिशन, स्क्वाटिंग पोजिशन से क्या होगा, नॉर्मली इस स्क्वाटिंग पोजिशन से हमें मेन यूज है इसका पेरिफेरल वास्कुलर रेसिस्टेंस, क्या पर्पस है पेरिफेरल वास्कुलर रेसिस्टेंस, यहाँ देख रहे हैं ना आप उस पिक्चर में दिखाया मैंने, इधर देखें हाँ आप ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, ठीक है, तो स्क्वाटिंग पोजिशन से क्या होगा, पेरिफेरल रेसिस्टेंस बढ़ेगा, पेरिफेरल रेसिस्टेंस मतलब जो वेन्स आर्टरी नीचे से ये जो इसीलिए जो आयोटा में ब्लड जा रहा है ना उसमें रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे जो राइट टू लेफ्ट जो संड जा रहा है ना ब्लड उसका रेसिस्टेंस होगा ये कम जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लंग्स में जाने के लिए जाएगा इससे, तो ये मेन कारण है, ठीक है। और स्क्वाटिंग में जितना ब्लड भी गया उतना ज़्यादा देर तक लोअर पार्ट में रहेगा, उसका ऑक्सीजन भी यूटिलाइज होगा, ये मेन कारण है, इसीलिए बच्चा टेट्रालजी ऑफ फॉलेट में स्क्वाटिंग पोजिशन में रहता है, तो उस बच्चे को हम कुछ नहीं करना है, इट इज़ ए नॉर्मल मैकेनिज्म, तो बच्चे को ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। तो ऑप्शन में जाएंगे अभी और देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है, अलाउ द चाइल्ड टू स्टे इन दैट पोजिशन, वेरी गुड सही है, पिक द चाइल्ड अप ऑन प्लेस बेड, नो ये भी रॉन्ग है, प्लेस ऑक्सीजन ऑन द चाइल्ड इमीडिएटली, इमीडिएट नहीं है ये क्योंकि इस पोजीशन से बच्चे को रिलीफ मिल रहा है तो फिर ऑक्सीजन उसके बाद है इन द लास्ट स्टेज, आस्क द चाइल्ड इफ समथिंग इज रॉन्ग, नो नीड, चाइल्ड का
ये कॉमन अडेप्टिव मैकेनिज्म है तो वो करने दें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आए हैं, विच इंटरवेंशन वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द चाइल्ड फॉर द नर्स टू इम्प्लीमेंट व्हेन केयरिंग द 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड डायग्नोस्ड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस। ओके सिस्टिक फाइब्रोसिस में मेनली सेक्रीशंस जो है हार्ड हो जाता है, तो उसको क्या करना है, शेड्यूल द चाइल्ड्स चेस्ट फिजियोथेरेपी 1 आवर प्रेयर टू द मील। वेरी गुड, क्योंकि आस्पिरेशन होने के चांसेस है, इसीलिए हमेशा 1 घंटे पहले मील्स 1 घंटे पहले चेस्ट फिजियोथेरेपी करना है। ये मदर पेरेंट्स को ये सिखाना है, हमारा काम है, और 1 घंटा पहले करना है, तुरंत पहले नहीं करना चाहिए, उसके जो टेस्ट की वजह से बच्चा खाएगा भी नहीं। और एलिवेट द हेड, यहाँ पे कुछ मतलब बेसिक इंटरवेंशन पूछ रहे हैं, तो एलिवेट द चाइल्ड्स हेड, नो नीड नो अप्लाई कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, अभी ज़रूरी नहीं है। और एडमिनिस्टर ऑक्सीजन वाया नासल कैनुला 6 लीटर, कभी भी सिस्टिक फाइब्रोसिस में इतना ज़्यादा ब्लड देते नहीं, 2 लीटर ही देते हैं, उससे ज़्यादा कभी देते नहीं है नॉर्मल कंडीशन में, एक्सट्रीम स्टेजेस में देते हैं, और वैसे ही सीओपीडी में भी 2 लीटर से ज़्यादा देते नहीं है। ठीक है, इसका आंसर है फर्स्ट। और 9th क्वेश्चन है, एक चाइल्ड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में वीजिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के साथ आ रहा है, विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट फर्स्ट। ओके ऑप्शन है स्टार्ट इंट्रावेनस लाइन, ये नहीं है, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड। वेरी गुड, तो एलवे आपको मालूम है, ये गो फॉर ए बी सी, एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, तो एयरवे क्लियर करना है, तो हेड एंड को हम एलिवेट करना है, उससे एयरवे क्लियर होगा, वही ऑप्शन है इसका आंसर। हमें फ्लिन वगैरह बात में परफॉर्म पीक फ्लो मीटर टेस्ट, फ्लो मीटर टेस्ट जो हम करते हैं ना लंग्स कैपेसिटी देखने के लिए, वो तो ऑलरेडी चाइल्ड वीजिंग में है, उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं। ये जो पिक्चर है ना आपको दिखाता हूँ, ये फ्लो मीटर है, तो लंग कैपेसिटी देखने के लिए करते हैं, इसको कोई फ़ायदा नहीं इमरजेंसी कंडीशंस में, तो वो नहीं आंसर। आंसर है इसका सेकंड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, द मदर ऑफ 2 ईयर ओल्ड डायग्नोस विद पर्टोसिस ओके आर वूफिंग कफ, हु इज इन कन्वलेसेंट स्टेज, टेल द नर्स हर चाइल्ड इज स्टिल कफिंग एट नाइट, विच स्टेटमेंट इज द नर्स बेस्ट रिस्पॉन्स। तो आपको पर्टोसिस के बारे में थोड़ा स्टेजेस के बारे में पता होना चाहिए, ये देख रहे हैं। तो मेनली पर्टोसिस में स्टार स्टेज चार है स्टेजेस, इंक्यूपेशन केटारल पैराक्सिमल एंड कन्वलेसन। इंक्यूपेशन 5 to 10 days, मैक्सिमम 21 days लगेगा, यहाँ पे आपको सिम्टम्स शुरू होगा उस केटारल स्टेज में, और वो रहेगा आपको पैराक्सिमल स्टेज तक पूरा, मैक्सिमम सिम्टम्स सबसेड हो, उसको सीवियरिटी सबसेड हो जाएगा पर 12 महीने, 1 साल तक जो स्टेज है उसको कन्वलेसन स्टेज। इस स्टेज में पूरा सिम्टम्स माइल्ड सिम्टम्स रहेगा ही रहेगा, कफिंग हो वॉमिटिंग हो पूरा सिम्टम्स रहेगा। तो इस बच्ची किस किस स्टेज में है यहाँ पे देख सकते हैं, कन्वलेसन स्टेज में है, तो इनको तो पक्का क्या है कफ रहेगा, कफिंग तो रहेगा। तो ऐसे नर्स हमें क्या बोलना चाहिए, आई विल मेक एन अपॉइंटमेंट फॉर द चाइल्ड टू सी द डॉक्टर टुडे, नो नीड, यू शुड गिव द चाइल्ड एन ओवर द काउंटर, नो नीड, योर चाइल्ड मे हैव कफ फॉर सेवरल मंथ्स आफ्टर हैविंग पर्टोसिस, यस दिस इज आंसर। ओके टेक योर चाइल्ड टू बाथरूम एंड टर्न ऑन द हॉट शावर, ये तो इस कंडीशन पर्टोसिस में कोई यूज़ नहीं होगा, ये आस्थमा कंडीशंस में हम हॉट शावर दे सकते हैं, उससे थोड़ा उनको रिलीफ मिलता है। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।